हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सूट की कटिंग करना बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ऐसे सूट को कट करना सीखिए। यहाँ पे ये हमने कपड़ा लिया हुआ है, पहले इसको कपड़े को उल्टा करेंगे। तो पहले इसकी हम लंबाई देखेंगे, तो लंबाई है हमारी 39। तो पहले हम इसकी लंबाई यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो 39 का सूट है वो आ रहा है यहाँ पर। पहले इंची टेप से हम नापेंगे कि 39 है यहाँ पे कपड़ा। तो हमारा कपड़ा यहाँ पे कवर हो जाएगा, 39 है यहाँ पे। थोड़ा हमारा ऊपर साइड 2 इंच लगभग ज़्यादा कपड़ा है, तो नीचे पलटने के लिए हम एक्स्ट्रा दो इंच कपड़ा लेंगे, और ऊपर हम आधा इंच जो हमारी सिलाई में चला जाएगा। यह कपड़ा हमने यहाँ पे कट कर लिया है। ये हमने कपड़ा हिप के अनुसार यहाँ पे निकाला है, तो शोल्डर हमने यहाँ पे लिए हैं 7.5 इंच। अब हम गला यहाँ पे पहले लेंगे, तो गला हम यहाँ पे इसका फैलाएंगे 3.5 इंच। और गले की हम लंबाई लेंगे यहाँ पे 5 इंच। तो गले की लंबाई हमने 5 इंच ले ली है, और एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हम, हमारा पीछे का गला छोटा है, तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल लेंगे, आर्म होल हम 44 इंच हमारा सीना है यहाँ पे, तो आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 44 इंच के 6.5 इंच, जहाँ से हमने आर्म शोल्डर डाउन किया है वहाँ से आर्म होल हम नापेंगे। तो 6.5 इंच हमने आर्म होल यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आप टिक लगा लीजिए। अब यहाँ पे हम सीने का नाप लेंगे। सीना हमारा 44, तो उसका 1/4 भाग 11 होगा, और 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे मार्जिन देंगे। ये हमारा सीधा यहाँ पे ऐसे हो जाता है सीने तक। अब यहाँ पे हम ऊपर से जो हमने शोल्डर का नाप लिया है वहाँ से हम इंची टेप रख के 13.5 इंच हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे, और नीचे हिप का निशान हम ऊपर से ही नापेंगे। तो ये हमारा 20 हम यहाँ पे 20.5 इंच पे लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो निशान हमारे लगे हुए हैं उसको हम सीधा करेंगे। ये हमारे सीने का नाप है, ये हमारा 13.5 इंच पे कमर का नाप है। अब हम लेंगे हिप का नाप। हिप का नाप हमारा 20.5 इंच है, 21 पे भी आप ले सकते हैं इसको। अब इसको हम पहले जो हमने टिक लगाए हैं उनको हम सीधा कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने सीधे कर लिए हैं। अब जो हम दामन है, दामन भी हम उतना ही लेंगे जितना हमारा हिप है। तो हिप का 1/4 हिस्सा 44 है हमारा हिप, तो 1/4 हिस्सा उसका 11 है, तो यहाँ पे भी हमने 11 इंच का ही टिक लगाया है। और हिप 44 है, तो 1/4 हिस्सा उसका 11 हुआ, तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे लगा लिया। और जो कमर है, कमर हमारी है 40, तो उसका 1/4 भाग 10 होगा, तो 10 पे हमने टिक लगा लिया यहाँ पे। अब जिस सीने का हमने पहले ही नाप लगा लिया था, यहाँ पे हमने 2 इंच या 1.5 इंच हम मार्जिन रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखा है। जे कमर पे भी हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, लेकिन हिप पे हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कपड़ा लेंगे जो हम चाक बनाएंगे जब सिलाई में, तो हमारा ज़्यादा कपड़ा होता तो हमारे सिलाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। दामन पर भी हम लगभग 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, जो हमारा पलट जाएगा अंदर की तरफ। अब स्केल से जो हमने निशान लगाए उनको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे निशान हम ऐसे आपको दिख रहे हैं वैसे ही हम मिला लेंगे। ये हमने निशान मिला लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आर्म होल की यहाँ पे गोलाई देंगे। तो गोलाई हम यहाँ पे 1.5 इंच से गोलाई देंगे आर्म होल की। हल्के हाथों से यहाँ पे आप गोलाई दे दीजिए आर्म होल की।
अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमने टिक लगाए थे उन पे हम कट लगा लेंगे, जो हमारे चारों पल दोनों पल्लों में सेम कट आए, इसलिए यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। अब हमने कट यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम आगे का गला ड्रॉ बनाएंगे, गोल गला। यहाँ पे हमें आगे का गला छोटा ही रखना है, 5 इंच का है। पीछे का गला हम यहाँ पे 4 इंच का लेंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट अलग कर देंगे। अब पीछे का पार्ट हम यहाँ पे निकाल देंगे। अब हमने जो गला यहाँ पे मार्किंग की है, अब गला हम कट कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप कपड़े को सेट कर लें। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। गला हमने कट कर दिया है, जो हमारा गला कट हो गया है गोल यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पीछे का पार्ट उठाएंगे और यहाँ पे पीछे का पार्ट हम उल्टा करेंगे, क्योंकि कपड़े की कटिंग हम उल्टे ही कपड़े पे करते हैं। हमें सीधे कपड़े पे कटिंग नहीं करनी चाहिए, उल्टे ही कपड़े पे कटिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, तो पीछे का गला हम यहाँ पे बनाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैं ली थी हमने 3.5 इंच, और गले की जो लंबाई है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं 4 इंच। ये गला हमने यहाँ पे बना लिया। और ये गला हम बकरम पे तैयार करेंगे, इसलिए हम कट नहीं कर रहे हैं। अगर आप पट्टी लगा के बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे बना लीजिए। अब हम इस बकरम पे बनाएंगे पीछे का गला। और यहाँ पे आगे का पार्ट हमने लिया है, इसकी आर्म होल की गोलाई हम करेंगे आगे के पार्ट में। आर्मोल की यहाँ पे गोलाई हम कर देंगे। ये गोलाई हमने यहाँ पे कर दी है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पार्ट कट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाजू कट करेंगे इसकी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम पहले कपड़ा निकालेंगे हम बाजू के लिए। यहाँ पे हमने बाजू के लिए कपड़ा 6 इंच हमें तैयार बाजू चाहिए। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन लेंगे, जो हमारे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा उसमें चले जाएगा। पहले आप कपड़े को यहाँ पे निकाल लीजिए। ये कपड़ा हम यहाँ पे कट कर लेंगे, और जो हमारी दो बाजू एक ही बार में निकल आएंगी। कपड़ा हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखेंगे, और जो खुला हुआ हिस्सा है वो दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे रख लिया है, कपड़े को सेट कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे। पहले तो 6 इंच हमें इसमें तैयार बाजू चाहिए, तो 1.5 इंच लगभग हमने यहाँ पर निकाल दिया। 8 इंच पूरा हमारा जो लंबाई है, 8 इंच की कपड़े की चौड़ाई में 8 इंच है, तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन दे देंगे, जो हमारे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा।
और लंबाई में है 8 इंच, सॉरी 9 इंच। अब यहाँ पे आधा इंच जो हमारा जो हम सिलाई करेंगे बाजू की उसमें चला जाएगा, और ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और हमारी 6 इंच की बाजू तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे हमने लगाया आर्म होल के लिए 8 इंच का निशान, और डाउन करेंगे यहाँ पे 3 इंच पे, हम ये हैवी साइज है इसलिए, और यहाँ पे हम 8 इंच का निशान एक लगाएंगे, और गोलाई है इसकी 6 इंच, तो 6 इंच पे हमने टिक लगाया, 1.5 इंच हमने मार्जिन दिया। अब इसको हम मिला लेंगे पहले, और इसके ऊपर से गोलाई कर देंगे, इसकी कटिंग करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम दोनों बाजू यहाँ पे कट हो गई हैं, अब इसको हम छाट देंगे, जो गहराई देते हैं हम बाजू में वो हम गहराई देंगे यहाँ पे, दोनों बाजू में एक ही साथ हमारी गहराई हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।